हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरी यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल तुषार मार्बल। मैं हूं आपका होस्ट तुषार यादव। तो गाइज, हम आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। काफ़ी टाइम बाद हम वीडियो लेके आ रहे हैं, तो मैंने सोचा आपके लिए कुछ अच्छा वीडियो लेके आते हैं। तो जैसा कि मैंने एक बार पोल भी किया हुआ था कि हम कौन सा वीडियो लाएँ, तो उसमें जो फॉल सीलिंग का हमारा जो एक ऑप्शन था, उस पर सबसे ज़्यादा पोलिंग हुई थी कि हाँ, मुझे फॉल सीलिंग का वीडियो लेके आना चाहिए। तो आज हम गाइस फॉल सीलिंग का ही वीडियो लेके आए हैं। तो इसमें आपको हम दो टाइप्स की फॉल सीलिंग बताने वाले हैं, पहली जिप्सम बोर्ड और दूसरी जो मुर्गा जाली बोलते हैं, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस भी फॉल सीलिंग बोलते हैं, वो वाली फॉल सीलिंग के बारे में। सिर्फ जो दो मेन सबसे ज़्यादा चलने वाली फॉल सीलिंग है गाइस, उसके बारे में आपको हम ब्रीफली बताने वाले हैं कि कौन सी बेस्ट रहती है और कौन सी इकोनॉमिकल पड़ती है और आपकी कौन सी लगानी चाहिए। रेस्ट अगर बात करें कि प्रॉपर फॉल सीलिंग कौन कौन सी होती है, तो हम बता दें आपको, प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉल सीलिंग होती है, जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग होती है, वुड फॉल सीलिंग होती है, पीवीसी फॉल सीलिंग होती है, ग्लास फॉल सीलिंग होती है। फॉल सीलिंग के बहुत सारे टाइप्स हैं, तो बाकी टाइप्स को हम आगे फर्दर वीडियोज़ में कवर करेंगे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चलती हैं और जो सबसे ज़्यादा डिमांड में रहती हैं और सब लोग करवाते हैं अपने घर पे, ऑफिस पे, वो कौन सी फॉल सीलिंग होती है, तो उसमें गाइस बता दूं, जैसे बताया मैंने, जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग और उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी फॉल सीलिंग। तो इन दोनों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो स्टे ट्यून्ड, बने रहिए इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ सिनेमैटिक शॉट्स दिखाता हूँ कि जहाँ मैंने जो काम करवाए हैं, मैंने अपने रूम में भी फॉल सीलिंग कराई है, हमारे ऑफिस में फॉल सीलिंग हुई है। तो आप सारे देख लीजिए कि कौन सी किस तरीके की है, कौन सी बोर्ड की है, कौन सी जाली की है, फिर हम वीडियो शुरू करेंगे गाइस। चलिए शुरू करते हैं। By worth, I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी फॉल सीलिंग से। तो इसमें गाइस होता क्या है कि जिस भी एरिया में आपको करानी है, सपोज करते हैं हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमारा 10x10 का एक रूम है, उसमें हमको फॉल सीलिंग करानी है। तो उसमें होगा क्या कि आपके आप एक वो लेवल लेंगे। सबसे पहला प्रोसेस होता है कि वो लेवल लेते हैं, आपका चारों साइड से वो लेवल लेंगे कि जो फर्श होता है, जो रूम का जो बॉटम एरिया होता है, वहाँ से किस लेवल पे लेना है। क्योंकि होता है कि कभी कदार जो कंस्ट्रक्शन होता है इनअप्रोप्रिएट होता है, बराबर नहीं होता है, तो वो लेवल लेंगे। सबसे पहले मार्किंग करते हैं चारों तरफ रूम में आपके वॉल पे, उसके बाद उस लेवल से वो फॉल सीलिंग शुरू करते हैं। तो कितना आपको छत से डाउन पे आना है, वो आपसे पूछेंगे कि आपको 1 फीट लाना है, 6 इंचेस लाना है, 8 इंचेस लाना है, एज़ पर योर चॉइस। और छत का जो हाइट होता है कि ज़्यादा है कम है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो हाइट आपसे पूछेंगे, फिर आप वो हाइट कन्फर्म करेंगे। उसके बाद वो एल्यूमिनियम के पाइप बोल सकते हैं, एल्यूमिनियम के लंबे लंबे रॉड जो पाइप्स लाते हैं, वो आपका वॉल रूफ पे फिक्स करते हैं। वो थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे खूब सारे आपके पाइप्स फिट कर देंगे। उस जो पाइप से, एल्यूमिनियम पाइप से, उस पे जो आपका बोर्ड होता है, जिप्सम बोर्ड बोलते हैं जिसको, कुछ कुछ अलग अलग साइज़ के आते हैं, जैसे 8x4 साइज़ का आता है, 8x3 साइज़ का आता है, 6x3 साइज़ का आता है, कुछ अलग अलग साइज़ के आते हैं। फिर वो बोर्ड लाएंगे और एज इट इज़ बोर्ड को स्क्रू से, एक प्लास्टिक स्क्रू आता है, उससे वो उस पर टाइटन कर देते हैं। उसके बाद जो भी गैप्स होते हैं, जो भी उसमें दिखता है गैप्स, उस पर वो पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस को भर देते हैं। आपका वो फॉल सीलिंग कंप्लीट हो जाता है, अगर आप डिज़ाइन नहीं करवाना चाहते हैं तो। दोनों चीज़ें होती हैं,
प्लेन डिज़ाइन भी हो जाती है, और कोई अगर आप डिज़ाइन व्हाट्सएप पे या कहीं पर भी आपने देखा है यूट्यूब पे कोई भी डिज़ाइन वो हो जाती है इसमें भी, और एज वेल एज इन पीओपी जो फॉसलिंग होती है उसमें भी। प्राइसेस का सेम रहता है, अगर आप जिप्सम बोर्ड में प्लेन डिज़ाइन चाह रहे हैं बिल्कुल सिंगल जैसे आपके ऊपर रूफ थी बस वो रूफ नीचे आ गई है एकदम प्लेन, उसका प्राइस कम होता है। अगर आप उसमें थोड़ा सा भी कोई कट या फिर कोई डिज़ाइन या फिर कोई कुछ भी कराते हैं उसका प्राइस अलग होता है इसमें भी और पीओपी फॉसलिंग में भी। तो गाइज़ आपने पता चला जिप्सम बोर्ड कैसे होती है, फिर इसमें आप कोई भी डिज़ाइन चाहें तो वो डिज़ाइन भी हो जाएगी, प्राइस अलग होगा, मैंने बताया आपको। तो ये प्रोसेस था हमारा जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग का, मैं वीडियोस में आपको दिखा रहा हूँ। फिर जितनी लाइट्स बोलेंगे आपके, हाँ मुझे यहाँ लाइट चाहिए यहाँ लाइट चाहिए, जितनी भी लाइट्स बोलेंगे उतनी लाइट्स आपकी कटिंग हो जाती है। हाँ गाइज़ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना भूल गया, फॉल सीलिंग होने के बाद जैसे उन्होंने जो रॉड्स होते हैं जब वो रॉड्स डाल देते हैं फिर उस पर जो जिप्सम बोर्ड टाइटन होता है उसके पहले आपको इलेक्ट्रीशियन को बुलाना पड़ेगा, और जहाँ जहाँ आपको वायरिंग होनी है जहाँ जहाँ वायर पड़ने हैं आपको बता देना है कि हाँ मुझे यहाँ यहाँ पर लाइट चाहिए, तो वो वायरिंग कर देगा प्रॉपर, उसके बाद बोर्ड टाइटन होते हैं। फिर वो एक ड्राइंग बना लेते हैं कि हाँ यहाँ यहाँ वायर पड़ा हुआ है, फिर जब बोर्ड टाइटन कर देते हैं फिर वो जहाँ जहाँ वायर पड़े होंगे वहाँ वहाँ वो कट करके निकाल देते हैं वायर, फिर आपकी लाइटिंग बाद में हो जाती है, पेंट का काम हो जाएगा, आपका फॉल सेलिंग कंप्लीट हो जाता है गाइस। तो ये आपने देख लिया जिप्सम बोर्ड फॉल सेलिंग। अब हम दूसरी बात करते हैं पीओपी फॉल सेलिंग की। इसका प्राइस थोड़ा सा हाई होता है बिकॉज इट्स ड्यूरेबिलिटी इज हाई, ड्यूरेबिलिटी हाई होती है, ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है इसकी, इससे इसका प्राइस भी ज़्यादा होता है गाइस। और इसका जो काम होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, इसमें जो आपका वाटर लीकेज होता है, सपोज करिए आपके छत पे सीलन है, कोई वाटर लीकेज है कुछ भी है, तो इस पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जल्दी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर जिप्सम बोर्ड में ऐसा कुछ भी होता है तो जिप्सम बोर्ड विल फॉल डाउन, वो तुरंत गिर जाएगी। तो अगर आपके छत पे सीलन है तो बिल्कुल भी मत कराइएगा जिप्सम बोर्ड फॉल सीलिंग, उसको अवॉइड करिएगा। यू कैन गो विद दिस पीओपी फॉल सीलिंग, वो सीलन में काम कर जाती है बिकॉज इसमें इसका जो प्रोसेस होता है मैं आपको बताता हूँ, और आप वीडियोस में भी देखिए इसका जो प्रोसेस होता है गाइस। सबसे पहले इसमें जाल बांधते हैं ऊपर, जो मैंने आपको बताया कि जिप्सम बोर्ड वाले में एल्युमिनियम की जो स्ट्रिप्स थे, एल्युमिनियम के जो रॉड्स थे, वो भी इसमें लगेगा प्रॉपर, जगह जगह लगेगा। उसके बाद उसमें जाली बनती है, जो नेट होता है, नेट बोलते हैं, स्टील नेट बोलते हैं, जाली होती है, वो जाल बनती है पूरी, और उसके ऊपर उसमें पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस की लेयरिंग हो जाती है, काफ़ी अच्छी लेयर होती है। ये प्रोसेस होता है हमारा पीओपी फॉल सीलिंग का, और उसमें फिर उसके बाद जब वो सूख जाता है, इसमें टाइम भी लगता है सूखने का गाइस, उसमें तो बस लगाया आपने और नेक्स्ट डे यूज़ किया, इसमें क्या होता है प्रॉपर जब पीओपी लग जाती है प्लास्टर ऑफ पेरिस उसके बाद सूखने के लिए टाइम चाहिए होता है, फिर उसके बाद उसमें लाइट्स कटिंग होगी, बाकी जो लाइट्स का प्रोसेस था वायरिंग का वो सेम होता है, फिर लाइट कटिंग होती है। इसमें जो डिज़ाइन होती हैं गाइस, डिज़ाइन भी अच्छी अच्छी बन जाती हैं, जो भी डिज़ाइन चाहें वो डिज़ाइन इसमें बन जाएगी, तो आप आराम से इसमें डिज़ाइन बनवा सकते हैं। तो ऑलमोस्ट दोनों चीज़ें सेम होती हैं, बस इसमें आपका उसमें बोर्ड यूज़ होता है और इसमें आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी यूज़ होता है विद जाली। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अब हम बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की, कि कौन सा आपको लगाना चाहिए, क्या मेन डिफरेंस है गाइस। सबसे पहले जो जिप्सम बोर्ड है गाइस वो आपका चीप पड़ता है प्राइस में, और जो मुर्गा जाली है वो आपका हाई पड़ता है प्राइस में। सेकेंड, आपका जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो जिप्सम बोर्ड की कम होती है, और जो ड्यूरेबिलिटी होती है वो आपका मुर्गा जाली की ज़्यादा होती है। द थर्ड पॉइंट इज़ कि जो वाटर लीकेज होता है अगर वो जिप्सम बोर्ड में थोड़ा सा भी आ जाता है तो वो फॉल डाउन, गिर जाएगी फॉल सीलिंग कोई भी हो कैसी भी हो। और अगर आपका छोटा मोटा वाटर लीकेज या फिर सीलन या ड्रॉप्स कुछ भी आपका मुर्गा जाली पर आता है तो उसको इफेक्ट नहीं करेगा। कि जो भी आपका जिप्सम बोर्ड की फॉल सीलिंग जो भी पर्सन कर रहा है वो कर देगा, नॉर्मल हो जाता है, लेकिन जो मुर्गा जाली की फॉल सीलिंग की जो भी लेबर्स, जो लेबर होगी जो भी जो करेगा उसको, वो परफेक्ट होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी अनट्रेन लेबर है तो वो आपका काम गड़बड़ हो जाएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, आपका जो जिप्सम बोर्ड है वो प्लेन सरफेस या फिर ज़्यादा जो यहाँ कटिंग होगा कोई भी शेप नहीं ले सकता, प्लेन सिर्फ आप रूफ में कराएं या वॉल में कराएं तो हो जाएगा, रेस्ट जो आप जाली वाला बोल रहे हैं उस पर कोई भी शेप, कोई भी डिज़ाइन, कोई भी कर्व्स कुछ भी हो सकता है। आप रूफ से ला के वॉल पे चाहते हैं तो यू करके वॉल पे ला सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन एज पर योर चॉइस आप कुछ भी बनवा सकते हैं गाइस, तो वो बन जाता है। बस ये कुछ मेन पॉइंट्स थे कुछ। हाँ, जो जिप्सम बोर्ड में पहला चीज़ है, जिप्सम बोर्ड आपने आज लगाया कल से आप उसको यूज़ करेंगे, पेंट करा देंगे, सब कुछ ओवर हो जाता है। और जो ये पीओपी फॉल सीलिंग होती है इस पर लगने के बाद सूखने के लिए इसको टाइम चाहिए होता है, थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा चाहिए होता है इसको, उसके बाद आप कुछ फर्दर कर सकते हैं गाइस। तो ये मेन डिफरेंस था, ये प्रोज एंड कॉन्स थे। अब मैं आपको बता दूं कि आप कहाँ पर कौन सी यूज़ करनी चाहिए। अगर आपका घर है
और सीलन की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है और आपको डिज़ाइंस चाहिए तो आपको 101% मुर्गा जाल ही यूज़ करना चाहिए। हाँ, अगर आपको कोई ऑफिस पर्पज़ है जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ फॉल सीलिंग मुझे जल्दी हटा देनी होगी या फिर टेम्परेरी यूज़ के लिए है और आपको डिज़ाइंस बिल्कुल नहीं चाहिए होती ऑफिस में, मेरे ऑफिस में डिज़ाइंस बिल्कुल नहीं है, तो मेरे जो दोनों ऑफिस आपने उसमें दोनों मैंने जिप्सम बोर्ड की फॉल सीलिंग करा रखी है और जो मेरा घर है उस पर मैंने मुर्गा जाली की फॉल सीलिंग करा रखी है। बाकी मैं वीडियोज़ में आपको ज़रूर दिखाऊंगा। प्राइस का बता दूं गाइस, तो जो अप्रॉक्स जिप्सम बोर्ड की फॉल सीलिंग की जो प्राइस है वो अप्रॉक्स बता दूं आपको 45 to 50 रुपीज़ से शुरू होके 70 to 75 या 80 रुपीज़ तक एंड हो जाती है एज़ पर द डिज़ाइन, एज़ पर द जो भी आप फाइनलाइज करते हैं उसके हिसाब से। और जो मुर्गा जाली की गाइस जो प्राइस है वो आपका 70 to 75 रुपीज़ से शुरू होके 120 to 125 रुपीज़ तक हो जाती है। बस यही प्राइस है, इसके ज़्यादा ऊपर नीचे प्राइस नहीं जाएगा। इसके ऊपर नीचे प्राइस तभी जाएगा अगर आप कुछ और फॉल सीलिंग चूज़ करते हैं लाइक पीवीसी ग्लास ऐसा कुछ। वुड वुड पीवीसी वुड फॉल सीलिंग भी महंगी पड़ती है आपकी। तो ये प्राइस बता दिया मैंने आपको, दोनों का डिफरेंस बता दिया। अगर इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कर सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और होपफुली आपको वीडियो पसंद आया, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आपको कोई भी फ्रेंड फॉल सीलिंग करा रहा हो उसके साथ ये वीडियो शेयर करिएगा गाइस। ऐसे शानदार वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर तुषार मार्बल पर। थैंक यू सो मच गाइस।